आमंत्रित करने की वो यही थी कि डाक विभाग ने अपनी बहुत ही एक बढ़िया योजना निकाली है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, जिसका लॉन्च तो प्रधानमंत्री ने सितंबर 2018 में ही कर दिया था और अब अपने पूरे पंजाब सर्कल में भी उसके जगह जगह ब्रांचेस खुल गए हैं। ठीक है, तो अपने पटियाला में भी उसके ब्रांचेस वगैरह सब ओपन अप हो गई हैं। तो जो मुख्य मकसद था वो यही था कि आप जो हैं जनता की आवाज़ है, जनता तक आपकी पहुँच है, तो हम जो यहाँ पे मैसेज देंगे आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप वो मैसेज सिर्फ शहरों तक ही नहीं, आप गांव-गांव के घर घर तक वो मैसेज पहुँचाएंगे। तो जो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है उसकी जो पहुँच है वो हमारे डाकिए के थ्रू जो है वो गांव-गांव तक है। मतलब जो बंदे जो हेजिटेट करते हैं, जिन्हें हिचक होती है कि कैसे हम बैंक तक चल कर जाएं और कैसे अब अपना खाता खुलवाएं, तो यहाँ पे बैंक जो है वो खुद चलकर गांव में आपके घर तक आ रहा है। ये दो स्टेप बैंकिंग का एक बहुत बड़ा कदम है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो इसके अंतर्गत हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम गांव-गांव जाकर सबसे पहले एक तो फिनेंशियल लिटरेसी लोगों को बता सकें, कि अवेयरनेस करा सकें कि बैंकिंग सुविधा क्या होती है, वो इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं और किस तरह से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक अच्छा फिनेंशियल प्रोडक्ट है उन सभी के लिए। इसके अलावा हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि गांव में स्पेशल डेडिकेटेड कैंप लगाकर हम इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खाते भी खोलें और इस पेमेंट्स बैंक के खातों के थ्रू लोग अपना DBT जिसे कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसके अंदर लोगों की पेंशन आती है, बच्चों की स्कॉलरशिप आ सकती है, आपकी कोई सब्सिडी आनी है तो वो भी आ सकती है। तो जो सबसे बड़ा जो मोटिव है इसके पीछे जो पर्पज़ है वो सिर्फ इतना ही है कि लोगों का फिनेंशियल इंक्लूजन हो जाए, जिसको कि हम वित्तीय समावेशन भी कहते हैं, कि जो पर्सन या तो अंडर बैंक्ड है या फिर या जो कि अनबैंक्ड है, जिसके पास में बैंकिंग की फैसिलिटी आज तक नहीं पहुंची है, तो डाक विभाग अपने पेमेंट्स बैंक के थ्रू चाहता है कि वो गांव में उनके घर तक पहुँचे, उनको उनके डोर स्टेप पर ये वाली फैसिलिटी दें। हमने अपने जो गाँव में जो हमारा डाकिया है उसको एक मोबाइल फ़ोन दिया है, जिस मोबाइल फ़ोन के साथ में एक ऑथेंटिकेशन डिवाइस भी लगा हुआ है बायोमेट्रिक, तो वो जाकर वहाँ पर किसी भी बंदे का उनके थंब इम्प्रेशन के थ्रू एक बायोमेट्रिक के थ्रू जो है उनका अकाउंट खुल जाता है। मतलब ये विदिन 5-10 मिनट्स में एक अकाउंट ओपन हो जाता है एक पर्सन का और वो जो है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के थ्रू जुड़ जाता है। तो ये एक मुख्य मैसेज था जो मैं चाहती थी कि आपके थ्रू जो है वो गांव-गांव तक पहुँचे, ताकि लोग बैंकिंग सुविधा जो है उसमें हिचकिचाएं नहीं बिल्कुल भी। डाक विभाग के ज़रिए, एक डाकिए के ज़रिए हमेशा एक लोगों से हमारा एक नाता बना रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि अब लोग हिचक को छोड़ दें और इसके थ्रू बैंकिंग सुविधा लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, डाकिए के थ्रू वो बैंकिंग चैनल से जुड़ सकते हैं। ये सितंबर 2018 लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर ने पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है इसका इनॉग्रेशन किया था। तो अभी क्या आपने चेंजेस नहीं, मुझे लगता था कि री एम्फेसिस करने की ज़रूरत थी और पटियाला में ये मैसेज मैं चाहती थी कि आपके थ्रू सब तक पहुँचे ये मैसेज। मुझे लगा शायद ये मैसेज अभी तक पहुँच नहीं पाया था, बट मुझे यकीन है कि आज जो है आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं तो आपके थ्रू जो है ये मैसेज उन तक ज़रूर पहुँचेगा। हाँ, नहीं हम मैंने आपको यही बताया ना, एक तो हम ये भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे आज भी ना ट्रेनिंग लगाई गई है एम्प्लॉयज़ की, तो हम बैचेस बना के एम्प्लॉयज़ की भी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि कस्टमर को किस तरह से आपने डील करना है, उनसे वेल बिहेव्ड रहना है, उसकी भी ट्रेनिंग हम साइमल्टेनियसली चला रहे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक और चीज़ आपने पूछी थी मुझसे, आपने कहा था कि लोग अलग होते जा रहे हैं थोड़ा इस तरह से। हाँ, मुझे लगता है कि जब भी ज़माना बदलता है चीज़ें चेंज होती हैं, बट डाक विभाग ने पूरी कोशिश करी है कि बदलते हुए ज़माने के साथ में वो भी अपनी चीज़ों को बदलें।
तो उसी बदलती हुई चीज़ के साथ में वो अपना नए ज़माने का पेमेंट्स बैंक लेकर आया है डाक विभाग भी, जिसमें कि नई सुविधा, नई टेक्नोलॉजी आ जाए और लोगों को जिनको बहुत ज़रूरत है बैंकिंग की उन तक बैंकिंग फैसिलिटी भी पहुंच जाए। हाँ हाँ हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। अभी रिसेंटली मैंने सैटरडे को ही जो ढिंगी विलेज है यहाँ पे, हाँ, उनके सरपंच से खुद जाके मैंने बात की है और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो अपने गांव में हम एक अवेयरनेस कैंप लगाने की परमिशन दें, और उन्होंने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया है मुझे। डाकखाने में भी किया था कि? हाँ, डाकखाने में तो इनफैक्ट सैटरडे को एक कैंप लगाया भी गया था IPVP का ही। तो हम वही चाह रहे हैं कि गांव-गांव जाकर इस तरह के अवेयरनेस कैंप लगाएं जिसके अंदर लोगों को फिनेंशियल लिटरेसी हम मेनली समझा सकें कि भाई बैंकिंग क्या होता है। हम अभी तक 6,000 के भी अबव अकाउंट्स खोल चुके हैं और इसके भी बियॉन्ड अब हम धीरे धीरे जा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है, हम अभी और आगे जा सकते हैं। और मुझे लगता है जब आपके थ्रू ये मैसेज और आगे तक जाएगा तो लोगों को भी पता चलेगा और वो खुद डाकखाने में आके अप्रोच करेंगे। हम तो अप्रोच कर ही रहे हैं सभी को जाकर, मुझे लगता है आपके थ्रू ये अप्रोच और बढ़ेगी हमारी। जैसे बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है यहाँ पे हेड पोस्ट ऑफिस की बात करें, लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं और खास तौर पे कहा जाता है कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो पब्लिक को अटेंड नहीं कर पाते, बहुत बोझ है काम का। देखिए, जो क्यू मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है तो उसके लिए तो हमने यहाँ पे डायनेमिक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लगाया है। एक ऐसा सिस्टम पटियाला HO में लग चुका है और एक राजपुरा में मैं बहुत जल्दी लगवा भी रही हूँ वो वाला एक सिस्टम। तो उसमें क्या है, बंदा आके टोकन ले सकता है। सिटिंग अरेंजमेंट सबके लिए नया करवा दिया गया है, प्रॉपर अरेंजमेंट करवा दिया गया है। तो मुझे लगता है इस डायनेमिक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम आने के बाद में जो लंबी लाइन वाली जो बात है वो थोड़ी सी कम हो जानी चाहिए और उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा बर्डन और प्रेशर की बात है, तो देखिए अभी शॉर्टेज ऑफ स्टाफ से तो मुझे लग रहा है शायद सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स गुजर रहे हैं, बट हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हमारे पास जो अवेलेबल मैन पावर है उसके अंदर हम कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा विभाग जो है वो तो एकदम जनता से जुड़ा हुआ विभाग है, तो हम जो भी काम कर रहे हैं वो जनता के लिए ही कर रहे हैं। जैसा गांधी जी ने भी कहा था कि कस्टमर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर प्रिमाइस, जो कोई अगर वॉक इन करता है, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम गांधी जी की उसी बात को लेके चलें। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि बैचेस बना बना के अपना जितना भी स्टाफ है उनको कस्टमर ओरिएंटेड या कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट की एक मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सकूँ, ताकि उनमें थोड़ा ओरिएंटेशन ये आए कि हमने कस्टमर के साथ में बहुत अच्छे से डील करना है।